की सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है एंड ये खड़ी हुई तो सामने गाड़ी इतनी प्यारी लग रही है, नाम तो नहीं पता पर इसका हमने नाम रखा फालतू सा पॉइंट। गुड मॉर्निंग गाइस, रेडी हो चुके हैं अब और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट एक समथिंग हो रहा होगा एंड अभी सारे के सारे सो रहे हैं और मैं तैयार हुआ हूँ क्योंकि गाड़ी लेके आनी है। अपनी गाड़ी आ चुकी है, दिखाऊंगा अभी कौन सी है। एंड सेकंड थिंग कि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है मतलब बिल्कुल काले काले हो गए। अभी शायद इसकी थोड़ी सी सनलाइट वगैरह पड़ रही है तो ठीक लग रहा हूँ पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है। एंड ऐसा अपना कुछ आज का आउटफिट, बाकी चलते हैं और दिखाते हैं आपको गाड़ी। सो आ चुके हैं अब हम और गाड़ी की सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है एंड ये खड़ी हुई है सामने गाड़ी, इतनी प्यारी लग रही है। और सो ये रही अपनी गाड़ी, कन्वर्टेबल मिनी कूपर, काफ़ी अच्छी और काफ़ी भागने में भी तेज है, बाकी अभी चलाते हैं इसे। भाई फाड़ क्लास यार, क्या गाड़ी है। सो फाइनली निकल चुके हैं हम और सारे आ गए हैं, अब जाएंगे शायद पैराडाइज बीच पे। सो लेट्स गो। सो भालू भाई जुड़ चुका है हमारे साथ, सुबह से आया नहीं था तभी लोग धीरे धीरे को पता है अभी तक का कितने व्लॉग डाले सबने फॉरवर्ड करके देख लिया, अब लोग सुनेंगे। हाँ ठीक है, वो जो पिछला व्लॉग डाला है ना तेरे नाम का जो डाला उसमें व्यूज नहीं आए अभी तक भी। मैंने प्रमोट नहीं करा ना अभी तक। सो अभी होटल से निकलने के बाद अभी हम यहाँ पे आए थे और नाम तो नहीं पता पर इसका हमने नाम रखा फालतू सा पॉइंट। क्या नाम है इसका, क्या नाम के पापा इसका, यू नो दिस इज एनो मेरा, दिस इज नॉट फालतू का पॉइंट बट वी कैन सी once no problem if parties na mile na agar meknos aaye hain to hume dekhna banta hai ek bar aa gaye hamara adha ghanta waste hua lekin dekhna banta hai baad mein mere pure friends kehte yaar wahan eno mera nahi gaye the ha yaar acha bahut acha point tha yaar bahut main point tha isliye aana zaruri hai ha to isliye aana zaruri hai yahan pe time kharab karne 20 minute 25 minute bas baki humne ise naam diya faltu ka point और बाकी अभी दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या फालतू है। हाँ मतलब एक ये है फिर एक बाकी इसके अलावा। सो अभी कल वाले बीच पे आए थे पैराडाइज बीच पे, सॉरी सुपर पैराडाइज बीच पे। सो यहाँ पे अभी एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं हम, काफ़ी बढ़िया है जो मतलब एक सोफे जैसा है उस पर बैठ के जाएंगे हम सारे के सारे और एक बोर्ड खींचेगी उसे, अगर हो पाया तो मैं फ़ोन ले जाऊँगा वरना नहीं, ऐसा कुछ सोफ़ा होगा इसके ऊपर बैठ के जाएंगे और वो वाली बोट खींचेगी। सो काफ़ी फन होने वाला है, बाकी देखते हैं। हेलो, सो पापा मैं और तान्या जा रहे हैं, मम्मा नहीं जा रही अभी, ये रही अपनी बोट आ चुकी है रेडी एंड लेट्स गो, ये रहा कुछ शिप। सो अपना वो वाली बोट राइड पूरी हो गई थी और बहुत बढ़िया थी, बहुत मज़ा आया, मतलब फ़ोन ले जाने वाला सीन नहीं था पर मज़ा बहुत आया उसमें, इसकी तो बड्डी बड़ी थी इसके चक्कर में जल्दी ख़त्म कर दिया, 10 मिनट का था। पापा से पूछ ले पूरा खत्म करके आए हैं और कोई जल्दी नहीं आया, मैं चक्कर में हमें ऐसा खराब कराती है लड़की अभी फालतू। लिटिल वेनिस पे और अभी दिखाता हूँ कहाँ से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये हम बाहर खड़े हैं यहाँ पे और यहाँ से कर रहे थे।
चार लीटर लोहे ने खा चुका है और दिखाते भी बड़ा प्यारा सा व्यू है यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं वापस होटल एंड यहाँ पे लिटिल वेनिस में भीड़ इकट्ठी हो चुकी है सनसेट देखने के लिए। सिनेरियो दिखाता हूँ, बहुत भीड़ हो चुकी है यहाँ पर और अभी और आ रहे हैं सनसेट देखने के लिए। बस ये देखो ये भीड़ लगी हुई है और अंदर तक है पूरी एंड पूरी रोड पे है सारी। तो सब कुछ एंजॉय करने के बाद आपने वीडियोस देख ली होंगी, मार्केट में अभी हवाबाजी कर रही थी बहुत सही सा सीन उसकी। कौन सी हवाबाजी की बात कर रहे हैं? वो गाने चला के जा रहे थे। अच्छा वो बनाएंगे वीडियोस बनाएंगे तो वो पोर्ट्रेट में है। हाँ कोई नहीं, हम पोर्ट्रेट पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे बड़ा सही सॉर्टेड सीन था और दोबारा होटल आ चुके हैं बस सनसेट एंजॉय करने। अब दोबारा खाना खाने जा रहे हैं और रात को यहाँ के सेकेंड मोस्ट फेमस उस पर जाएंगे बार में। हाँ सॉरी फर्स्ट पे हम काबो में जाएंगे और ट्रॉपिकाना 2 दिन से जा रहे हैं तो शायद वहाँ आ जाए। बाकी लेट्स सी, बट वी आर एक्साइटेड। बट हमारी कल सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट भी है। अर्ली मॉर्निंग नहीं, 12:01 बजे है अर्ली मॉर्निंग इसके लिए। वो अभी 11 बजे में से निकल रहा है तो मतलब ऐसे 3-4 बजे तक पार्टी नहीं कर सकते हम, जल्दी थोड़ा थोड़ा चल जाए थोड़ा ये आ जाएंगे। मैं तो कल भी 2 बजे तक जाऊंगा। तो अभी यहाँ खाना खाने आए थे एंड खाना हो चुका है हमारा। एंड कभी भी ग्रीस आओ सो यू कैन ट्राई दिस रेस्टोरेंट, हमारी तरफ से 10/10 काफ़ी अच्छा खाना है। सो या लेट्स गो। अब सो अब रूम में जा रहे हैं, अपना ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, 1 घंटा पैकिंग करेंगे और 11 बजे कैब खुल जाता है यहाँ का फर्स्ट फेमस क्लब, सो वहाँ चलेंगे। हम रूम में आगे थोड़ी देर के लिए वंच और मैं थोड़ी देर ट्रॉपिक खाने चले गए थे। मैं बताता हूँ कि हम वहाँ पे जा रहे थे 1 घंटा रेस्ट करने के बाद, बट हमें पता लगा कि 11 बजे शुरू हुआ और वहाँ पे कोई भी नहीं आया हुआ। तो हम वही थी कि हम एक तो अंदर जाएं और ऊपर से मतलब अंदर कैसा निकले तो हमें पता नहीं था। तो अब 1 बज गया, अब 1 बज गया, वेट करते करते नहीं क्योंकि कल हमारी सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम लेट नाइट पार्टी तो कर लेते पर सुबह में हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, मतलब हमें 8-9 बजे निकल रहे हैं हमें। सो हमने ये सोचा कि मम्मी पापा को सोने देते हैं और हम चले जाते हैं। सो अब 1:30 बज रहा है शायद, तो हम अभी निकल रहे हैं और शायद 3-4 बजे तक वापस आएंगे और सोएंगे नहीं हम। सो गाइज अभी ट्रॉपिक ऑन होने के बाद मैं तो आ गया हूँ यहाँ पे एंड ताने चली गई रूम में कैवो क्लब में। सो अभी अंदर जाके देखते हैं कि इतनी हाइप बनी हुई है तो इसका क्या है। ऑल दो मेरी सुबह फ्लाइट है, मेरी बहुत ऐसी ऐसी होने वाली है, बट चाबी गिर गई। बट एनीवेज अगर इतने मतलब पहली बार ही आ रहे हैं और शायद आखिरी बार भी हो सकता है यहाँ पे, बाकी क्योंकि नई नई जगह जाना होता है। सो लेट्स ट्राई दिस। कैब से निकल चुके हैं, मैं निकल चुका हूँ और यहाँ पे वापस अपने रूम में आ गया हूँ। सो जितनी हाइप थी उतना तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा मेरे को। अपना ट्रॉपिकाना बीच बहुत ज़्यादा बढ़िया था, उससे लोग मिलते हैं सब कुछ है, पर वहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। एंड अब कल मिलते हैं आपसे, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं इस टाइम। साइनिंग ऑफ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।